सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? आपको सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आज विशेष तौर से के राज्य जेपी नड्डा है दौरे पर रहेंगे। खरगोन में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, स्वरोजगार सम्मेलन है, तो हितग्राही उनके लिए भू अधिकार के तहत पट्टे वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज्यादा करीबन 1.5 लाख लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है कि करीबन 1.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 1 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। इधर अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ग्वालियर संभाग दौरे पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ पर भी वो कई जगह जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार बूथ स्तर का कार्य कर रही है और मेरा बूथ मजबूत सबसे, ये एक स्लग है, स्लोगन है और इसी को लेकर के लगातार बीजेपी काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कोई छोटा बड़ा मुद्दा कुछ भी हो, सरकार को एक भी पल कहा जाए विपक्ष नहीं छोड़ रहा है और हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये अलग बात है कि छोटे बड़े मुद्दे आते हैं, लेकिन पहले क्योंकि विपक्ष इस तरीके से काम नहीं करता था, लेकिन अब विपक्ष ने कमर कस ली और सरकार को हर एक मुद्दे पर घोल घेरने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से अभी हाल ही में जो बारिश हुई है, बारिश के कारण जो हरी सब्जी है वो सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं और कहा जाए कि वो जिस तरीके से कहा जाता है कि सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो रियल में वो आसमान और जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सब्जी खरीदना परेशानी बन रही है और वो हरी सब्जी से कहीं ना कहीं वंचित से हो रहे हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के जो रिटनपुरा चौराहे है उस चौराहे पर 12 बजे का समय दिया गया, बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल होगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। इनका कहना यह है कि जो लगातार सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं उससे हर आदमी परेशान हो रहा है, फिर चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, निचले वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी लोगों के लिए खाने के लिए विशेष तौर से हरी सब्जी की आवश्यकता पड़ती है और आप वो हरी सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, हरी सब्जी आसमान छू रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार को घेरने का एक नायाब तरीका कांग्रेस ने ढूंढ निकाला है और वो है सब्जी का। अब सब्जी को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है, अब सरकार को मांग की जा रही है कि इसको सब्जी को लगता किया जाए, हर व्यक्ति सब्जी खरीदना कहीं ना कहीं सहूलियत बने। इधर अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें आपका खरगोन है, सागर है, अगर भोपाल है, नर्मदापुरम है, ग्वालियर है, छतरपुर है, रीवा है। इस तरह से अगर हम देखें तो 16 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी राजधानी भोपाल में हल्की धूप निकली हुई है, बादल आसमान में छाए हुए हैं, धूप निकल रही है, जा रही है, आ रही है, इस तरीके से हो रहा है। और सुबह की बात करें कि सुबह मॉर्निंग के करीबन 7-8 बजे के आसपास में थोड़ा सा पानी जरूर आया था, थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में खुला हुआ है मौसम, साफ है मौसम, लेकिन आसमान में बादल है और बादल की वजह से धूप आ रही है, जा रही है। लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो बड़ा अलर्ट जारी किया है कि 16 जिलों में भारी बारिश होगी, लेकिन अभी ये होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।